हेलो स्टूडेंट्स, क्लास इलेवेंथ बिजनेस स्टडीज, चैप्टर नंबर 3, निजी सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम, प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। लास्ट वीडियो में हमने सार्वजनिक क्षेत्र जो है उसका अर्थ और उसकी विशेषताएं देखी थी, यानी मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। इस वीडियो में हम सार्वजनिक उपक्रम के उद्देश्य या महत्व या लाभ देखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट्स और इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ अ पब्लिक एंटरप्राइज। तो पॉइंट वाइज देख लेते हैं हम। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा आर्थिक विकास में योगदान, कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारी कंट्री में जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी जो बेसिक फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उनका जो एक्सपांशन है वो सर्विस सेक्टर में किया गया है। यानी ऐसे सर्विसेज या ऐसे प्रोडक्शंस जो कि प्राइवेट अंडरटेकिंग्स या प्राइवेट सेक्टर के थ्रू नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ लमसम कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड कंट्रोलिंग, तो ऐसे सभी एरियाज़ में पब्लिक सेक्टर के थ्रू प्रोडक्शन वर्क किया जाता है, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि जो हमारी कंट्री है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल होता है एंड इवन स्पीडली होता है। सेकंड पॉइंट है इसके बाद क्षेत्रीय असंतुलन की समाप्ति, एंड ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस। जो प्राइवेट सेक्टर है जनरली वो अपने इंडस्ट्रीज़ को जो डेवलप्ड एरियाज़ है वहाँ पर इस्टेब्लिश करने के लिए ऑलवेज ट्राई करते हैं, ताकि उन्हें जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी है वो इजीली अवेलेबल हो जाए। तो ऐसे में जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वो अनडेवलप्ड रह जाते हैं, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो इन्हीं इम्बैलेंसेस को रिड्यूस करने और रिमूव करने के लिए जो पब्लिक सेक्टर है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी कंट्री में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ पब्लिक सेक्टर की जो है वो बैकवर्ड एरियाज़ में इस्टेब्लिश की गई हैं, जिससे कि उनके जो बैकवर्डनेस है वो रिड्यूस होती है। बिकॉज जिस भी एरिया में इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होगी तो डेफिनेटली वहाँ की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ को भी डेवलप करना पड़ता है। तो बिकॉज ऑफ पब्लिक सेक्टर रीजनल इम्बैलेंसेस जो हैं वो रिड्यूस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद सरकार की आय प्राप्ति के स्रोत, सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। ओके, सो ये जो पब्लिक सेक्टर है वो गवर्नमेंट को इनकम भी प्रोवाइड करती है। बिकॉज इस सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होती हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू कैपिटलाइज्ड होती हैं, एंड गवर्नमेंट के थ्रू ही इनका जो कंट्रोलिंग और मैनेजमेंट होता है वो किया जाता है। तो ऐसे में उससे होने वाली जो इनकम है वो इनकम भी गवर्नमेंट के रेवेन्यू में इंक्लूड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद साधनों का उचित आवंटन, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। पब्लिक सेक्टर के अंदर रिसोर्सेज जो हैं उनका एलोकेशन प्रायोरिटी बेसिस पे किया जाता है, जिससे कि पब्लिक वेलफेयर में इंक्रीमेंट होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोजगार के अवसरों में वृद्धि, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जो पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं उनके एस्टैब्लिशमेंट से रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट के जो चांसेस हैं, सोर्सेज हैं, उनमें इंक्रीमेंट होता है डायरेक्ट वे में। तो ऐसी कंडीशन में जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो भी हमारी कंट्री में रिड्यूस होती है। लास्ट पॉइंट है हमारा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा, सेफ गार्डिंग कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। जो सार्वजनिक उपक्रम है या पब्लिक सेक्टर है, एंटरप्राइजेज हैं, वो कंज्यूमर्स के जो इंटरेस्ट है उन्हें भी सेफ करके चलती है, यानी कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं। ऐसे पब्लिक सेक्टर्स या एंटरप्राइजेज जो हैं इनका मेन एम प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, इवन पब्लिक का वेलफेयर, सोसाइटी का वेलफेयर उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। तो ऐसे में पब्लिक सेक्टर्स के थ्रू
कंज्यूमर्स को और उनके राइट्स को भी सेफ गार्ड किया जाता है, सेफ किया जाता है। ओके, तो ये थे हमारे सारे पॉइंट्स रिगार्डिंग एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। थैंक यू।